तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि कबूतर सोखे में आ जाता है तो उसका इलाज कैसे करें और क्या पहचान होती है कि सोखे में आ गया। भाई मेरा ये कबूतर का बच्चा है, ये सोखे में आ गया और इसका मैं आपको इलाज करके भी दिखाऊंगा। बहुत हल्का हो गया है। सोखे की पहचान क्या होती है भाई? कबूतर दाना नहीं चुगता, पानी पानी पीता है बस। ये मेरा बच्चा पानी पानी पी रहा है, देख लो, बहुत हल्का हो गया। और तो मैं आपको आज इलाज बताऊंगा कि सोखे की बीमारी का क्या इलाज होता है। तो भाई ये डिब्बी है, ये डिब्बी लेकर आनी आपको, 100 रुपये की मिलती शायद इसकी एक गोली। अरे इसमें काली निकलती है, इसमें लाल, दोनों की एक एक ले लेनी है। और दिखाता हूँ मैं आगे वीडियो में करके दिखाता हूँ। तो भाई मैंने आधी आधी गोली ले ली है, एक लाल की ले ली, एक काले की। तो हमें करना क्या है, इनको आधी आधी देनी भाई, पूरी नहीं देनी किसी को भी। आधी आधी गोली देख लो, ये आधी आधी गोली खुलानी है। तो मैं बताता हूँ आपको खुलानी कैसे है और किस टाइम खुलानी है। भाई सुबह को खुलानी है, सुबह ही खाली पेट खुलानी, दाना उसके बाद आधा घंटे बाद खुलाना है ये खाली पेट। तो अब मैं खुला के दिखाता हूँ तुमको। तो भाई देखो ऐसे कबूतर को पकड़ना, इधर से दिखा, और ऐसे चोंच डाल के, ये भाई अंदर गई गोली, एक गोली, दूसरी भी ऐसी खवानी हमको, ये काली गोली, इसको ये भाई काली भी गई। ये हमारा 4-5 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, गोली 4 दिन भी निकलानी पड़ेंगी। तो भाई देख लो बहुत वजन हल्का हो गया इसमें, ये गर्दन भी नहीं रोक पा रहा अपने सहारे से। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और भाई कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। और भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो भाई कमेंट जरूर कर देना और बता देना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। भाई कमेंट से मेरा वो आगे को वीडियो बनाने जी करता ना भाई, जी नहीं करता। आपके कमेंट नहीं आते ना, तो कमेंट कर दिया करो यार।